हेलो व्यूअर्स, दिस इज आरके आजाद प्राइम न्यूज टीवी टुडे। आप सबको नमस्ते। तो हम ओवरऑल सिचुएशन हैदराबाद सिटी का पोर्स और अभी तक जो भी हमने काम किया है उसके बारे में आपको दो मिनट के लिए बताना चाहते हैं। सो अभी आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड अमित शाह जी एंड ऑल दिस लॉट ऑफ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव विजिटेड हैदराबाद। एंड हमारा सिटी पुलिस का जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया एंड किसी को सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अभी और 40-45 मिनट्स हैं तो वो भी हमारा जो भी लीडर्स बाहर से आए हैं वो बंदोबस्त भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हैदराबाद सिटी में ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपीज़ के कैश, लिकर और प्रेशियस मेटल सीज हुए हैं। तो एंड अभी तक हम 2400 वारंट्स NBWs एग्जीक्यूट किए हैं पूरे NDPS एक्ट केसेस में, बॉडली ऑफेंसेस केसेस में। अभी हमारे पास कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है। अब जो हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है बॉडली ऑफेंस केसेस में। आर्म्स डिपॉजिट जो भी हमारे पास आर्म्स लाइसेंस ही हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन्स वी हैव डिपॉजिटेड इन दी लोकल दी शॉप्स एंड अपना ये जो आर्मरीज है ना उसके अंदर वेपन्स डिपॉजिट हो गए हैं। राउडी शीटर्स एवरी डे वी हैव 1600 राउडी शीटर्स। हैदराबाद सिटी 7 जोन्स हैज़ गॉट 1600 राउडी शीटर्स। एवरी डे वी आर चेकिंग अराउंड 600। हर रोज़ रात को 600 हम राउडी शीटर्स को चेक कर रहे हैं और जो भी लोकल पुलिस के राउडी शीटर चेकिंग में वो नहीं मिलते तो नेक्स्ट डे टास्क फोर्स वाले उनको ढूंढते हैं। ऑल दी राउडी शीटर्स वी आर एबल टू कीप अ टैब ऑन देम एंड अभी तक जो कंट्रोल है डोंट थिंक दे विल बी एबल टू क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस इलेक्शन पीरियड। अभी हम 72 to 48 आवर्स के मध्य में है। आज 45 मिनट के बाद वी विल हैव 48 आवर्स बिफोर दी पोलिंग कंक्लूड्स। तो ये दो दिन 29 और 30 तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा पूरा पुलिस फोर्स एकदम गियर्ड अप है दैट वी विल बी एबल टू हेल्प एंड हैव अ रियल पीसफुल इलेक्शंस। ओके, तो व्हीकल चेकिंग अभी तक जब से 9 तारीख से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख 2.5 लाख व्हीकल्स वी आर चेकिंग एवरी अमंग दिस इन दिस 10 डेज टाइम। और 2.5 लाख में से चेक करने के बाद एवरी डे वी आर सीजिंग व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर नंबर प्लेट्स, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। हर रोज़ 20 से लेके 50 व्हीकल हम सीज कर रहे हैं। ऑन दी डे ऑफ दी पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, RC बुक नहीं है, आपकी व्हीकल पे नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ तो वो व्हीकल पक्का सीज हो जाएगी। आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी। तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं, वोट देने आते हैं, तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, हेलमेट, ये सब पक्का पूरा रखिए। मेरा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मारोजा है कि अब इतना पुलिस वाले मेहनत किए, अब पुलिस वाले जो SHO है, DCP है, एडिशनल DCP है, ACP है, इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में। सो वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए हाँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है एंड हैदराबाद सिटी में 40-50% के बीच में रहता है। सो ये वोटिंग परसेंटेज आप भी सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ कम एंड वोट। ओके, एवरी डे वी आर हैविंग ड्रंक ड्राइविंग का अभी पूरा चलता है सिलसिला। देर आर 31 प्लेसेज वेयर वी डू ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग और अभी ये पिछले दस दिन के अंदर ऑलमोस्ट 7000 ड्रंक ड्राइविंग केसेस वी हैव बीन एबल टू रजिस्टर। सो 7000 जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी हम रजिस्टर कर पाए। अब आप पूछेंगे कि फोर्स के बारे में कि हमारे पास 7 जोन है और हमारे को 40 कंपनी CAPF की मिली हैं।
हमारे पास जो भी रेवेन्यू रूट्स हैं वो 1700 के करीब रेवेन्यू रूट्स हैं, और उसके बाद वो 1700 रेवेन्यू रूट्स के अंदर 4915 1700 पोलिंग लोकेशन आर देयर, तो 1700 पोलिंग लोकेशन के अंदर 4915 आर दी टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, एंड 1700 पोलिंग लोकेशन के अंदर हमारे को 666 क्रिटिकल, फिर से बोलते हैं 1700 पोलिंग लोकेशंस, 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 666 आर लोकेशंस विच आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल। ये वाली पोलिंग लोकेशंस में आधा सेक्शन CAPF होगा, और 310 जो भी पोलिंग लोकेशंस हैं उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है वो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स लाइन को देखने का। हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि परसकून माहौल रखने के लिए वहाँ पर आदमी इकट्ठा नहीं हो, अगर आप इकट्ठा होएंगे वहाँ पर तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे। तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए, हाँ अपने माँ बाप भाई बहन सब मिलके कुछ भी बच्चा बना के घर में खाना खाएं मज़े करें, अपना वोट दे के अपने घर को वापस आ जाएं। तो उधर इकट्ठा होएगा तो हमारा हर पोलिंग स्टेशन में, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में और बाकी पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरा लगा हुआ है, पूरे जो भी लोग हैं ना अपने ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं 21 ऑब्जर्वर्स, दे विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि आप पोलिंग के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कुछ भी एक्शन हो रहा है। तो आप एक ये आप इससे ये भी करते हैं कि पुलिस वाला है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसके आँखों के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है कि जैसे किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा करते हैं तुम्हारे सामने, तो इमीडिएटली उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाना। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे और आपने कोशिश नहीं किया तो आपके ऊपर पक्का एक्शन होगा। ये आप सबको मैं बोलता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कोई भी पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप पोलिंग का पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करते हैं तो पब्लिक डर के वोट नहीं देने आएगी। आप ऐसा मत कीजिए, आप प्यार मोहब्बत से बोलिए, डायल 100 कॉल है और हमारे दो दो नंबर्स हैं पुलिस के, उसके बाद आपके पास जो भी पार्टीज हैं उनके पास इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के नंबर हैं, CEO के नंबर हैं, DEO के नंबर हैं, सबके नंबर हैं। आपको जो भी तकलीफ है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप प्यार से पेश आए। जो आपको भी कुछ भी ग्रीवांस है आप गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलिए, पुलिस वाले को बोलें, SHO को बोलें, ACP को बोलें, वहाँ पर जो भी बंदोबस्त है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा शर पैदा होने से, थोड़ा गड़बड़ होने से पब्लिक डरती है वोट देने के लिए। तो आप सबसे भी यही इल्तिजा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और हम आपको पक्का ऐसा देंगे कि ऐसा नहीं कि आपका बात सुन के अनसुना कर देंगे, इमीडिएटली देल बी एक्शन फ्रॉम द पुलिस साइड, आई एश्योर यू दैट, एंड देल बी पक्का एक्शन। कि ऐसा नहीं कि चलो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो नहीं, जिसने भी ऐसा कानून को अपने हाथ में लिया है दैट मैन विल डेफिनेटली बी रेस्ट्रेंड फ्रॉम मूविंग ड्यूरिंग द इलेक्शनियरिंग पीरियड। जो भी आदमी ने कानून तोड़ा है उसको, आपको सबको जानते हैं कि मैं हर चीज़ किताब के हिसाब से चलता हूँ, वो मैं नहीं छोड़ता, ना पुलिस वाले को छोड़ूंगा अगर वो इलेक्शन में उसने ठीक से काम नहीं किया, हिम्मत से काम नहीं लिया, ना मैं वो कुछ जिसने भी ये गलती की उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि काहे को अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल को बनाएं एंड प्ले दी गेम इन ओनली दी स्पोर्टिंग स्पिरिट, और स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेलिए आप, जो आप वो जो पब्लिक कर रही है उनको करने दीजिए, कुछ भी ऐसा शर पैदा गुस्सा ये सब आप छोड़ दें 29-30 तारीख को। अभी इलेक्शनियरिंग का साइलेंस पीरियड भी एक आधे घंटे के बाद शुरू हो रहा है, जस्ट गो एज पर दी रूल्स। माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल दी पोलिटिकल पार्टीज, दी रिक्वेस्ट इज दिस, अभी कुछ वो ये बांटना वो बांटना वो सब भूल जाएं, आप पकड़े जाएंगे, पूरा पुलिस फोर्स उसमें है, कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने का कोशिश किया ना वो अननेसेसरी केस होता है, आप इन सब चीज़ों से बचिए। और दूसरा सेंसिटिव ये पूछ लिया आपने,
हाँ, आपको ये कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में वो सेंसिटिव है नहीं सेंसिटिव है, पर हमने तो अपने हिसाब से सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बराबर ही समझा है। एंड जहाँ जहाँ पर भी हमारा SHOs या ACPs या जो भी पोलिंग स्टाफ है, उन्होंने जो जो भी हमारे को चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, उसके हिसाब से 666 को क्रिटिकल मान के हम चले हैं लोकेशंस पे। आई डोंट थिंक अभी तक जो भी हमारा हिम्मत है कि सब अच्छा ही होगा। एंड हमने मेहनत की, हम क्या सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो हम सब पुलिस वालों ने मिलके मेहनत करी है, या रेवेन्यू वाले स्टाफ ने मेहनत की है, इलेक्शन ऑफिसर के स्टाफ ने मेहनत की है, वो मेहनत वो हमारा भगवान या जो भी आप मानते हैं उसको सिला अच्छा मिलेगा। एंड भगवान से प्रार्थना है एंड रिक्वेस्ट टू ऑल दी पब्लिक सिटीजन्स एंड दी पॉलिटिकल पार्टीज की हैदराबाद का अच्छा नाम करें, अच्छा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, एंड लेट अस हैव अ वेरी फ्री फेयर एंड पंडुगा लेका इलेक्शंस। ओके, सो आप सबका मेरी बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप जो भी क्वेश्चन हमारे को अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर किए हैं। एंड उस दिन बंदोबस्त भी पूरा रहेगा, देर भी पिकेट्स विल बी देयर, मोबाइल पार्टीज विल बी देयर, QRTs विल बी देयर, पुलिस स्टेशन का भी 5-5 मोबाइल होगा, रूट का भी मोबाइल 370, रूट्स का भी 370 मोबाइल होगा। यू विल सी द पुलिस ऑल ओवर, दैट पुलिस यू सी ऑल ओवर एंड ईच वन इज रेडी टू एक्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। आर ओनली आई डोंट नो डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप आर कि ऊपर से क्या हमारे को हिदायत है कि आपके सामने कुछ भी ऑफेंस होगा आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आप ऐसा चुप नहीं बैठ सकते। इट इज होल्डिंग ट्रू फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर ईच होम गार्ड हु इज देयर ऑन द फील्ड। अपना पूरा जितना दम है उससे कुछ भी ऑफेंस होने से रोकना, एंड कोई भी चीज जो पीस को डिस्टर्ब करती है वो नहीं अलाउ करना। ठीक है, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया, अभी तक आपने हम सबको बहुत कोऑपरेशन दिया है, पुलिस वालों को, इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कोऑपरेटेड विद अस, इवन दी राउडी शीटर्स हैव कोऑपरेटेड विद अस, एवरीबडी हैज़ कोऑपरेटेड। सो दिस फ्यू अभी 48 घंटे, 48 आवर्स आर लेफ्ट, सो प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, प्लीज़ कम एंड वोट, प्लीज़ मेंटेन अ पीसफुल एटमोसफियर, लेट अस हैव अ फेयर एंड अ फ्री इलेक्शन सो दैट एवरीबडी थिंक्स गुड अबाउट हैदराबाद सिटी। तो पीपल विल कम एंड गो, ऑफिसर्स कम एंड गो, लोग आते हैं चले जाते हैं, ऑफिसर आएगा चला जाएगा, 2 दिन 1 महीने के लिए CP लगेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। बट वो जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आए हैं अलग अलग स्टेट से, लेट देम कैरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज कि पुलिस बड़ा सख्त है। वो मेमोरी नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए मेमोरी कि पीपल हु कम हियर उनको ये मेमोरी साथ लेके जाना कि पीपल ऑफ तेलंगाना स्टेट, पीपल ऑफ हैदराबाद सिटी अ वेरी पीस लविंग। ये नहीं मेमोरी लेके जाना कि पुलिस बड़ा गट्टा है ये वो, अरे क्या है, वो आता जाता रहता है, पब्लिक है जो रहती है यहाँ पर, उनको ऐसा लगना कि बहुत अच्छी पब्लिक है, बहुत पीसफुल पब्लिक है, बहुत फेयर है पब्लिक, एंड बहुत दिलेर है पब्लिक, कि ऐसा डरती नहीं है, वोट करने आना है डेमोक्रेसी के लिए बाहर आके वोट करती है, ये मैसेज जाना। पोलिटिकल पार्टीज आर वेरी फेयर, दे डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस, दे वेरी वेल बिहेव्ड, सो दैट इज दी काइंड ऑफ मैसेज इफ इट गोज। अब हमारा क्या है, रहते हैं 1 महीने चले जाते हैं, बट ये मैसेज जरूर जाए कि हैदराबाद सिटी की पब्लिक, हैदराबाद सिटी की आवाम एकदम पीस लविंग एंड वेरी वेरी करेजियस, दे स्टैंड अप एंड दे कम आउट टू वोट। यही एक मैसेज चला गया ना, तो हमारे को बड़ी खुशी है कि जो भी हमने मेहनत की वो रंग लाई। थैंक यू वेरी मच।